हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी खटमल यानी बेड बग्स दूर करने के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खटमल पैदा कैसे होते हैं। खटमल गंदगी से पैदा होते हैं, इसलिए अपनी बेडशीट्स को 2-3 दिन के बाद ज़रूर बदलिए और सोफ़ा आदि को समय समय पर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते रहिए। अपने गद्दों को भी समय समय पर धूप लगाते रहिए। खटमल को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को एक स्प्रे बॉटल में भरकर खटमल वाली जगह पर 3-4 दिन तक दिन में 2 बार स्प्रे कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय है इंडियन लाइलैक यानी नीम की पत्तियाँ। नीम में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो खटमल भगाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपको करना क्या है, कुछ नीम की पत्तियां लेनी हैं और उनको अपनी बेडशीट्स के नीचे, गद्दों के नीचे और आपके घर में जहां खटमल हैं वहां रखना है। ऐसा करने से खटमल से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपाय है रबिंग एल्कोहल या स्प्रिट। आप स्प्रिट को स्प्रे बॉटल में भरकर उससे खटमल वाली जगह पर 2-3 दिन तक रोज स्प्रे करें, खटमल दूर हो जाएंगे। लौंग भी खटमल से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अपने पिलोज में, अपने तकियों में, मैट्रेस और बेडशीट्स के नीचे लौंग रख दीजिए, खटमल दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुदीने की पत्तियों से भी खटमल से छुटकारा पाया जा सकता है। खटमल वाली जगह पर कुछ पुदीने की पत्तियां रखिए, 1-2 दिन बाद पुदीने की पत्तियों को चेंज करते रहिए, खटमल से बहुत जल्दी छुटकारा हो जाएगा। खटमल वाली जगह पर टेलकम पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। पाउडर की वजह से खटमल सफोकेशन फील करेंगे और बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो ये थे खटमल से छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।